नीतीश फिर संभालेंगे बिहार की कमान, 37वें मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। अलग अलग 14 वर्षों से भी अधिक समय तक संभाल चुके सीएम की कुर्सी, दूसरे सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया। भव्य दीपोत्सव के लिए छावनी में तब्दील हुई रामनगरी अयोध्या, अयोध्या में आज से बाहरी लोगों की एंट्री पे हुई बैन। बम डिस्पोजल दस्ता व QRT भी बुलाई गई, भारत का रूप देखकर नरम पड़ने लगे चीन के तेवर। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए PM। चीनी राष्ट्रपति ने कहा आपसी विवाद व मतभेद बातचीत के जरिए हल हो, दिन प्रतिदिन गंभीर होती प्रदूषण समस्या पर UPPC भी सख्त। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आगरा में 3 संस्थानों पर 32-32 लाख का जुर्माना ठोका, नोटिस के बावजूद जल निगम ADA आगरा स्मार्ट सिटी ने नहीं किया धूल नियंत्रण। पुलिस ने 20 लाख की फिरौती के लिए अगवा महिला व उसके बच्चों को मुक्त कराया, आरोपी अपहरणकर्ता का दावा महिला ने खुद रची थी साजिश। महिला का पति मुंबई में रहकर करता था पेंटिंग का काम। इटावा में पराली जलाने पर 29 किसानों के खिलाफ रिपोर्ट, 70,000 रुपये अब तक जुर्माना भी वसूला गया। टाइगर श्रॉफ की गणपत का धमाकेदार फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज, मुंबई ने तोड़ा दिल्ली का दिल रिकॉर्ड, 5वीं बार बना चैंपियन। लगातार 2 सीजन खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बनी मुंबई। अब खबर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम NDA गठबंधन के पक्ष में आए हैं। NDA गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली है, जो बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों से 3 अधिक है। BJP को 74 और JDU को 3 सीटों पर जीत मिली है। BJP पहले ही साफ कर चुकी है कि सीटें कम आए, नीतीश कुमार ही CM बनेंगे। नीतीश लगातार 4थी बार और कुल 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगे। वे राज्य के 37वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश पहले ही राज्य के दूसरे सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने अलग अलग कार्यकालों में 14 वर्षों से भी अधिक समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 4थे भव्य दीपोत्सव को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचा जा रहा है। कार्यक्रम स्थल से लेकर सरयू तट के उस पार तक और संभावित आतंकी खतरे के मद्देनजर भी सुरक्षा प्लान तैयार कर लिया गया है। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अफसरों की माने तो अयोध्या शहर के बाहर के लोग दीपोत्सव स्थल के आसपास तो क्या अयोध्या में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके लिए रूट डायवर्जन किया जा रहा है, यहाँ तक कि कार्यक्रम स्थल पर आमंत्रित किए गए लोगों को भी LIU जाँच कराई जा रही है। बिना अनुमति पत्र के कोई कार्यक्रम स्थल तक भी नहीं पहुंच पाएगा, चाहे वो अयोध्या शहर का ही क्यों न हो। यही नहीं, अयोध्या को लेकर जो संभावित आतंकी खतरा बना रहता है उसको लेकर भी सुरक्षा रणनीति बना ली गई है, और इसके तहत बम डिस्पोजल दस्ता और क्विक रिएक्शन टीम समेत सुरक्षा बलों को बाहर से बुलाया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल समेत हर महत्वपूर्ण स्थानों की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जिसको लेकर लगातार समीक्षा भी की जा रही है। लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत का सख्त रुख देख चीन के तेवर अब नरम पड़ने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि SCO के देशों को अपने आपसी विवादों को, मतभेदों को बातचीत और परामर्श के माध्यम से हल करने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में जिनपिंग ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन को आगे बढ़ाने और एकजुटता सहयोग को गहरा करने के लिए सदस्य देशों को आगे आना चाहिए। मई से लद्दाख में शुरू हुए भारत चीन सीमा विवाद के बाद यह पहला ऐसा मौका था जब PM मोदी और शी जिनपिंग किसी बैठक में एक साथ शरीक हुए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आगरा के जल निगम, आगरा स्मार्ट सिटी और आगरा विकास प्राधिकरण पर 32-32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तीनों ने नोटिस के बाद भी धूल नियंत्रण नहीं किया। इनसे अगस्त से लेकर अब तक 82 दिनों के पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में कुल मिलाकर 96 लाख रुपये वसूले जाएंगे। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी भुवन प्रकाश यादव ने बताया कि जल निगम स्मार्ट सिटी और ADO को लगातार धूल नियंत्रण के लिए नोटिस भेज रहे थे। हर बार के निरीक्षण में धूल के गुबार उड़ते मिले। नोटिस के बाद पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए तीनों विभागों को अगस्त से लेकर अब तक का जुर्माना भरना होगा। इसका पत्र लखनऊ मुख्यालय को भेज दिया गया है। अगली खबर UP के जालौन जिले से है। यहाँ की एक महिला ने अपने प्रेमी से मिलकर अपनी और अपने बच्चों की अपहरण की कहानी रचकर पति से 20 लाख रुपए फिरौती की मांग कराई।
जालौन की सर्विलांस एसओजी टीम व सिरसा कलार थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 12 घंटे के अंदर महिला और उसके बच्चे को सकुशल बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि सिरसा कलार थाने में महिला और उसके बच्चों की गुमशुदगी 7 नवम्बर को दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए महिला के पति की सहायता से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से महिला व उसके बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। अपहरणकर्ताओं को जेल भेज दिया गया है। महिला का पति मुंबई में रहकर पेंटिंग का काम करता है। औरैया के दिबियापुर के ग्राम पंचायत औतों में रक्षा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सराहनीय कार्य किया है। महिलाओं ने राशन डीलर के यहाँ से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का राशन उठाया। तत्पश्चात समूह की महिलाओं ने राशन के पैकेट बनाए, जिसमें बच्चों के लिए 1 किलो चावल, 1.5 किलो गेहूं के पैकेट बनाए गए और गर्भवती धात्री किशोरी बालिकाओं के लिए 2 किलो गेहूं और 1 किलो चावल के पैकेट बनाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को उनका लाभार्थियों की मात्रा के अनुसार पैकेट प्रदान किए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने उन पैकेट को लाभार्थियों को वितरित किए। यूपी के औरैया जिले में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पैर पसारता नजर आ रहा है। यहां बुधवार को 3 व 4 साल के 2 बच्चों तथा 4 पुलिसकर्मियों समेत 25 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ जिले में अब तक कुल संक्रमित मिले मरीजों की संख्या बढ़कर 2958 हो गई है। वहीं पिछले 4 दिनों में 2 लोगों की मृत्यु होने से कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 38 पर पहुँच गया है। हालांकि जिले में रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ा है। अब तक 2700 से अधिक मरीज बीमारी से जंग जीत चुके हैं। पराली को लेकर किसान परेशान है। यूपी के इटावा जिले में 29 किसानों के खिलाफ पराली जलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। यहां मुकदमे अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 70,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूशन व उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में किसानों को फसल अवशेष पराली न जलाने के लिए लगातार सचेत किया जा रहा है। इसके बावजूद कई जगह से पराली जलाने की घटनाएँ सामने आ रही हैं। टाइगर श्रॉफ ने कुछ दिन पहले अपनी नई फिल्म गणपत पार्ट 1 का ऐलान किया था। फिल्म का वीडियो टीजर शेयर किया था। अब फिल्म का एक और टीजर वीडियो जारी किया गया है, जिसमें टाइगर के लुक की झलक दिखाई गई है। टाइगर ने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें उनकी अतरंगी स्टाइल नजर आ रहा है। रंग बिरंगी शर्ट, पेट तक खुले बटन और अंदर से झांकती कसी हुई मांसपेशियां, उंगलियों के बीच दबी सिगरेट, टाइगर पहली बार इतना स्वैग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनका वॉइस ओवर है, जब मैं डरता हूँ तो बहुत मारता हूँ। इस वीडियो के साथ टाइगर ने लिखा, यारों का यार हूँ, दुश्मनों का बाप हूँ, गणपत का फर्स्ट लुक हाजिर है। आईपीएल 2020 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। टीम रिकॉर्ड 5वीं और लगातार 2री बार चैंपियन बनी। मुंबई ने जीत के साथ दिल्ली का दिल तोड़ दिया। श्रेयस अय्यर की टीम पहली बार चैंपियन बनने के लिए उतरी थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। दिल्ली ने मुंबई को 157 रनों का लक्ष्य दिया। इसे मुंबई ने 18.4 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन बनाकर हासिल कर लिया। मुंबई की टीम लगातार 2 सीजन में खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गई। उसने पिछले सीजन के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। चेन्नई ने 2010 और 2011 में लगातार 2 बार खिताब जीते थे। रोहित शर्मा का आईपीएल में 6ठा खिताब है। वे 1 बार डेक्कन चार्टर्स के लिए टाइटल जीत चुके हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhabar.com पर जाएं।